गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज सेकेंड का क्लास का आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे और पहला चैप्टर है राइड्स ऑन ट्रेन, मतलब दुल्हन का परीक्षण, दुल्हन का परीक्षा लेना। तो देखो कभी आप कभी लोग ऐसा रहते हैं कि दुल्हन को जब देखने जाते हैं तभी परीक्षा लेते हैं कि आपका बेटी गाना गा सकती है, डांस कर सकती है, काम कर सकती है, ये सारे चीज में वो लोग पूछते हैं। मगर ये स्टोरी में क्या है, ये दुल्हन का परीक्षा जो है लिखा हुआ है, ये स्टोरी क्या है, इसमें क्या क्या हुआ है, वो बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं वर्ड में नहीं कुछ दिया हूँ कि लिखा हूँ, जैसे कि सफर, यू, प्रीटी, कंफ्यूज, ओपिनियन, ग्लास्ट, हरिडली, फेल, डिस्क्राइब, सेंसिबल, पेशेंट, ये सारे जो है इसको मैंने, ये जो वर्ड है वो बुक से निकल के मैंने लिखा है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड। अब जब पढ़ेंगे जहां पे भी आपको डिफिकल्ट लगेगा उसके नीचे आपका पेंसिल से क्या करोगे कि एक नीचे का अंडरलाइन दे दोगे, वर्ड के नीचे अंडरलाइन दे दोगे। जैसे आपको एक वर्ड मिल गया उसके नीचे अंडरलाइन दोगे अगर वो वर्ड आपको पता नहीं है, और आप टेक्स्ट करके मुझे बताएंगे तो मैं उस वर्ड को मैं इमीडिएटली आपको रिप्लाई दे दूंगा, उसका वर्ड का एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। पहले वो चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर देखेंगे क्या है चैप्टर में। वंस अ लिटल यंग शेफर्ड, क्या एक वंस क्या हुआ कि वो एक मतलब एक शेफर्ड बास कर रहा था, लिट मतलब बास, शेफर्ड मतलब क्या, चरवाहा, चरवाहा जो जानवर को चराता है उसको बोलते हैं शेफर्ड। और क्या हुआ, एज ही ग्रू अप द शेफर्ड वांटेड टू गेट मैरिड, क्या हुआ जब वो बड़ा हुआ, ग्रू मतलब बढ़ना, तब वो क्या हुआ कि उसको ऐसा लगा कि वो पसंद है, वो चाहा कि वो मैरिज करने के लिए, किसके लिए, वो मैरिज करने के लिए, वो गेट मैरिड के लिए वांटिंग किया, वांटिंग मतलब चाहना। सो ही न्यू थ्री सिस्टर्स इन हिज नेबरहुड, दे वर ऑल प्रिटी, क्या हुआ उसको तीन सिस्टर, वहां का नेबर जो उनका नेबरहुड थे, उन तीनों सिस्टर को वो नेबरहुड से ही पहचानता था। वो तीनों के तीनों कितना, थ्री सिस्टर क्या थे, ऑल प्रिटी, सारे जन प्रिटी थी। प्रिटी का मतलब क्या है, सुंदर। प्रिटी का मतलब क्या है, सुंदर, ब्यूटीफुल। प्रिटी देखो, प्रिटी मतलब भी सुंदर है, ब्यूटीफुल मतलब भी सुंदर है, प्रिटी मतलब अति सुंदर, समझे। सो ये प्रिटी तीन जो थे वो बहुत सुंदर थे। तो देखो, सो ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू चूज वन एज हिज वाइफ, कंफ्यूज, ही वेंट टू हिज मदर फॉर हर ओपिनियन, क्या हुआ ये जो तीनों जो थे, तीन जो थे सिस्टर जो, और तीन नेबरहुड जो थे सिस्टर, तीन सिस्टर जो नेबरहुड थे, वो बहुत कंफ्यूज हो गया था। कौन कंफ्यूज हो गया था, शेफर्ड बॉय कंफ्यूज हो गया था, शेफर्ड बॉय कंफ्यूज हो गया, ये क्या है शेफर्ड बॉय बहुत कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि ये तीनों जो थे ना, तीनों सिस्टर, वो तीनों के तीनों बहुत सुंदर थे, ये तीनों के तीनों बहुत प्रिटी थे, ये तीनों के तीनों सारे जन प्रिटी थे। तो ये कंफ्यूज हो गए, उनका मॉम के पास गया, उनका मदर के पास गया और पूछने के लिए कि उसका ओपिनियन क्या है ये तीनों के बारे में, ये गया यहाँ पे इस तीनों के बारे में पूछने के लिए, जब वो उनका मदर के पास गया तभी देखो क्या होता है, क्यों गया था, उसका मदर का ओपिनियन, उसका माँ का ओपिनियन, ओपिनियन मतलब क्या, राय लेने के लिए वो गया था। His mother said, invite the three sisters for dinner. Serve them bananas and see how each one of them eats it. क्या हुआ कि उनका मदर के ने क्या राय दिया,
तीनों सिस्टर को इनवाइट करो। कहां पे इनवाइट करने? डिनर के लिए। क्या डिनर? डिनर मतलब क्या है? रात्रि भोजन, रात्रि का भोजन। वो डिनर के लिए वो इनवाइट किया करने के लिए, एडवाइस की मतलब राय दी। तो ये इन्होंने क्या किया, जब डिनर पे इनवाइट करोगे तभी उन लोगों सारे जन को क्या देना है, बनाना। बनाना खाए हो ना, बनाना देखे हो ना, बनाना क्या है? बनाना मतलब केला देने के लिए बोला। उसकी कौन सा खाना है? डिनर में उन लोगों को केला देने के लिए कौन बोला? उनका माँ बोली। उनका माँ बोली, किसका माँ बोले? कि शेफर्ड बॉय का मदर बोले। द यंग शेफर्ड इनवाइट द थ्री सिस्टर्स, लेटर ही वॉच देम इट केयरफुली। क्या हुआ, वो तीनों को तीनों ये इनवाइट किए, इनवाइट करने के बाद वो देखे कि एक केयरफुली वो देखे कि कौन कैसा खाता है, कौन कैसा खाता है उस बारे में। The eldest sister grabbed the banana hurriedly without even peeling of the skin। वो बनाना का जो छिलका है ना, वो ना उठाते हुए, ना ओपन मतलब अच्छे मतलब ना निकालते हुए इतना जल्दी से उसको और खाने के लिए कोशिश किया, खा रही थी। हरिडनी मतलब हड़बड़ाते वो खा रही थी। पिन मतलब क्या? छालना। क्या पिन मतलब? क्या छाल? पिन मतलब छाल। सो कम टू द पॉइंट, सी वो पहला एल्डर सिस्टर वैसा कि देन द यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर क्या कर रही है? पील द स्किन, सी पील्ड द स्किन केयरलेसली एंड वेस्टेड ए लॉट ऑफ बनाना, लॉट ऑफ बनाना। जब यंगर सिस्टर बनाना ली तो उसको केयरलेसली ऐसे नॉर्मल केयरलेसली उसको और छिलाई। छिलाने के बाद क्या हुआ, वो जो बनाना था अच्छा से ना छिलाते, वो ना छिलाने के वजह से वो वेस्ट हो गया। क्या हो गया? बहुत सारा वैसे ही वेस्ट हो गया और वैसा खाए। देन द यंगेस्ट सिस्टर क्या की, देखो द यंगेस्ट सिस्टर पील द स्किन वेरी नीटली विदाउट वेस्टिंग ए बिट एंड एट द बनाना। क्या हुआ, जब यंगेस्ट सिस्टर, कौन सा सिस्टर? यंगेस्ट सिस्टर क्या की, कि अच्छा से बनाना को छिलकी तो मतलब छिलाई। देन क्या की को उसको अच्छा से छिलाने के बाद वो क्या की, केयरफुली नीटली मतलब साफ करके, साफ से वो उसको केयरफुली आराम से खाई की विदाउट वेस्टिंग नहीं किया, वेस्ट नहीं किया। तो बनाना छिलकाने के मतलब छिला के खाने के बाद ये क्या राय देते हैं, देखो। द शेफर्ड डिस्क्राइब्ड दिस टू हिज मदर, क्या क्या ये सारे जो बात जो थी तीनों कैसे कैसे बनाना खाए, ये सारे बात उसका माँ को बोला। कौन बोला? शेफर्ड बॉय ने बोला उसका मदर को। माँ को बोलने के बाद उसका मदर क्या बोलती है, देखो। द मदर आस्क्ड हर सन टू मैरी द सेंसिबल एंड पेशेंट यंगेस्ट सिस्टर, किसको मैरिज करने के लिए बोले, जिसके पास सेंसिबल है, पेशेंट है, जिसको कैपेबिलिटी है वो यंगेस्ट सिस्टर है, ये सिस्टर है, सो इसको मैरिज करने के लिए बोले। क्यों पेशेंट? सेंसिबल मतलब क्या है, समझदार। सेंसिबल मतलब क्या? समझदार। पेशेंट मतलब क्या? सहनशील, मतलब सहन करने का गुण जो रहता है। पेशेंट मतलब सहन करने का जो गुण है और जो समझदार है, उनको शादी करने के लिए उसका माँ शेफर्ड का मॉम ने राय दिया। तो द शेफर्ड मैरिड द यंगेस्ट सिस्टर हैप्पीली। तो ये जो शेफर्ड है ये किसको मैरिज किया? यंगेस्ट सिस्टर को मैरिज किया। ये शेफर्ड है ये यंगेस्ट सिस्टर है शेफर्ड।
वही ये दोनों मैरिज करके मतलब हैप्पीली ये दोनों मैरिज कर लिए, हैप्पीली मैरिज कर लिए। ये स्टोरी में ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसके पास पेशेंस है मतलब सेंसिबल है, जो सहन का गुण है और जिसको समझदार है, वो क्या दुनिया में अच्छे तरीके से जी सकते हैं, अच्छे तरीके से जी सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं। ये लेसन में ये ही हमको एग्जाम्पल द्वारा हमको मिला है। समझे बच्चे, ये चैप्टर कंप्लीट है।